17 घंटे की जर्नी, रात को 5 और 7 के बीच में ही, मतलब ठंडी थी। ओके सो तो फाइनली मुंबई से निकल तो नहीं गया, मुंबई में हूँ फिलहाल तो, एंड स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पर जो मेरी ट्रेन देख रहे हो, मतलब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, जो अपने थंबनेल एंड टाइटल देखा है बस उधर ही जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने सही गेस किया है कि लाइक मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, सो तो इसके लिए उन लोग को तो अच्छी बात है, उन लोग ने मुझे गेस किया तो। सो तो अभी करना क्या है, 17 घंटे का मेरा जर्नी है बाय ट्रेन से, मतलब देख रहे हो 17 घंटा एक ही जगह पे एक ही ट्रेन में बैठना है। एंड मैं क्यों इतना फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि ये फिर से बोलेगी, मतलब ये जो अनाउंसमेंट कर रही है बार बार, इसकी वजह से मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है एंड कट लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा समझ के ले लो। सो तो हे गाइस, हाई फाई, कैसे हो सारे, अच्छे होना और अच्छे रहना भी मेरी तरह से। आज का ये दिन बहुत ही, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कुछ अलग वाला कंटेंट आने वाला है, वो फाइनली आ गया है। ये यार फिर से बड़बड़ कर रही है। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अलग वाला यार कंटेंट आ जाएगा, अभी मैं लोग का सुनेगा नहीं, खाली आप मेरा सुनो बस। तो अभी सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, तो इसके लिए कहाँ पर जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। मेरे पास प्लान ए है एंड बी है। एक काम करते हैं, अपन अंदर बैठ के बात करेंगे क्या, बट अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर है। बट सुन लो क्या करना है, तो अभी ये तो बढ़ जा रहा है। अरे यार, अरे भाई जाने दो इन लोग को, भाई साहब कितना बड़बड़ कर रहे हैं इन लोग।
ओके जी, ओके, फाइनली मुंबई से लेके चंदोसी तलक यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। 17 घंटे की जर्नी, 17 भी नहीं, उससे भी ऊपर हो गई है। मतलब ये ट्रेन टोटली लेट हो चुकी है 1.5 से 2 घंटे के आसपास। रात को 5 और 7 के बीच में ही, मतलब ठंडी थी, और अभी का भी सिचुएशन ऐसा है कि 6-7 के इसमें ही डिग्री में ठंडी है भाई साहब। मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये मुंबई वाला बंदा उत्तराखंड घूमने आया है, वो भी बजट ट्रिप में। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैंने हुडी पहनाया, उसके अंदर थर्मल एंड उसके ऊपर ये जैकेट। मतलब मुझे तो इतना कुछ ठंडी नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। लाल किले जो ठंडी है ना, बहुत, मतलब बहुत तोड़ वाली है। अभी यहाँ से कुछ लोकल वगैरह लेना है एंड उसके बाद फिर घर पर पहुँचेंगे एंड थोड़ी देर के बाद अपन आपको मिलेंगे। अभी बाय। ओके, सो तो फाइनली सबसे पहले ना पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कुछ खाया नहीं है सुबह से। हम लोग ने चाय वगैरह भी नहीं लिया है, पता है ना रेलवे में कैसे चाय वगैरह मिलती है, मतलब पानी के जैसा एकदम। तो इसके लिए हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया एंड स्टेशन के बाहर ही यहाँ पर बहुत सारे शॉप वगैरह मिलेंगे आपको खाने पीने के लिए। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है छोले भटूरे, मैंने कभी ज़िंदगी में खाए नहीं है, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा। कहीं पर भी जाता हूँ तो उस जगह का हर एक चीज़ अलग देखना पड़ता है एंड समझना पड़ता है, तो इस हिसाब से हमें भी वहाँ पर रहना पड़ता है। पर नहीं भाई, 2:30 बज गए और 2:30 बजे फिलहाल, मतलब ऑर्डर आया है, 2:30 बज के भी चले गए तो लग ही नहीं रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6-7 बजे। तो पहला खाते हैं एंड उसके बाद आपको मिलते हैं। बाय।
जैसे कि चंदो से के छोले भटूरे खा लिए तो वैसे ही चंदो से की चाय भी पी लेते हैं। मतलब यहाँ की जो स्पेशल रहती है वो यहाँ पर हम लोग ने ले ली है एंड जो सब कुछ हमें बताया है आंटी ने बताया। थैंक यू सो मच आंटी, देख रहे हो आंटी को बहुत शौक है व्लॉग में आने का। इन लोग सब जन है, विवेक है, प्रिंस है, वही तो सुना आपने यहाँ की स्पेशल चाय है तो वही हम लोग अभी पी रहे हैं। तो अभी पीते हैं एंड इसको इंजॉय करते हैं एंड उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके सो तो फाइनली हम लोग ने पेट पूजा वगैरह कर लिया है। अभी यहाँ से डायरेक्टली ऑटो ले लिया है, एक घंटे का यहाँ से रनिंग है एंड अभी इसके बाद ये कैमरा जाएगा अंदर एंड आप सिनेमैटिक इंजॉय करोगे। तो ये रख लेते हैं साइड में एंड तब तक सिनेमैटिक इंजॉय कर लो क्योंकि ये ऑटो है तो ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है ना भाई साहब, हवा टाइट हो रही है। ओके सो तो फाइनली घर पे हम लोग पहुंच गए एंड यहाँ का जो व्यू देख रहे हो ना भाई साहब, कपड़े को थोड़ा इग्नोर कर लो एंड जो गांव है मतलब काफ़ी खूबसूरत है एंड जो पीछे का नज़ारा है ना बहुत ही मतलब बहुत सही है। ऐसा लग रहा रहेगा कि ये व्लॉग मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ 7:30-8 बजे के बीच में ऐसा शूट करता रहूँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। अभी टाइम कितना हो गया जल्दी बता दे मुझे, 4:20 सुना ना आपने। तो ये यहाँ का ऐसा मतलब मौसम है एंड ठंडी है ना भाई साहब, मतलब बहुत तोड़ वाली है। सबसे पहले है ना हाथ गर्म कर लिए, मेरे तो हाथ सुन हो गए क्योंकि पूरा कैमरा निकाल के मैं शूट कर रहा था बाहर का पूरा सिनेमैटिक, वो भी आपके लिए। तो करना क्या है ना भाई साहब, एक लाइक चाहिए एंड एक प्यारा सा कमेंट चाहिए। सो तो अभी
हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पानी में हाथ डालने का सोच भी नहीं सकते। अभी की जो ठंडी है ना, मतलब एकदम तोड़ वाली है। एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, बहुत मतलब बहुत सही है। अभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़े टाइम के बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके, सो तो फाइनली हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करने के लिए बैठे और हमें लगा कि पकौड़े आएंगे, बट इतना सारा चीज़ अंकल जी ने लेके आए, थैंक यू सो मच अंकल जी। एंड अभी का जो टेम्परेचर है ना, 13 डिग्री सेल्सियस है। एंड आंटी ये इनके घर पे मैं रुका हूँ, एंड अंकल जी ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है, तो थैंक यू सो मच आंटी एंड अंकल। सो तो अभी इसको पहले इन्जॉय करते हैं एंड बाद में आपको मिलते हैं। सो बाय। ओके जी, सो तो फाइनली हम लोग का खाना वगैरह कंप्लीट हो गया है। एंड अभी का सिचुएशन ऐसा है ना कि जल्द से जल्द खाना खा के अपने अपने रूम में चले जाओ एंड सो जाओ, क्योंकि यहाँ की जो अभी ठंडी है ना, टाइम के हिसाब से थोड़ी बढ़ती जाएगी। सो तो अपने हिसाब से अपने को भी केयर करना है, व्लॉग को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। आई नो कि ये व्लॉग थोड़ा सा मतलब हिल गया है, बट थोड़ा सा ये वाला व्लॉग एडजस्ट कर लेना, बट आने वाले जितने भी व्लॉग रहेंगे एकदम तोड़ वाले रहेंगे। एंड मैं अपना 110% दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, इसकी वजह से मेरा व्लॉग ये प्रॉपर कंटिन्यू हो नहीं पाया है। सो तो अभी ये व्लॉग है ना, यहीं पर शॉर्ट एंड सिंपल में रखते हैं। फिलहाल की जो ठंडी है एकदम नेक्स्ट लेवल वाली है, देख रहे हो, मतलब मुंह से इतने लंबे लंबे धुएं निकल रहे हैं। तो अभी ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा लाइक करना है, डिसलाइक करना है कर दो। सो तो अभी आने वाला जितना भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा या जितने भी नेक्स्ट मेरे व्लॉग रहेंगे, वो 110% दे दूंगा। ये वाले व्लॉग में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। क्या ही बोलूँ यार, बट ठीक है, मैं अपना 110% दे दूंगा, चलेगा। तो फिर मिलते हैं अपन अच्छे खासे एक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, हाई फाई।